السلام عليكم يورز الياس صاحب سوفت وير کمپنی کے جانب سے میں محمد الیاس کاسمیٹک شاپ کے کوریڈیو میں جس میں ہم ایکسپنسز کی ڈیٹیل کو ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے ایکسپنسز کیٹیگریز پریویس کلاس میں ہم نے ایکسپنسز کیٹیگری فارم کو ایڈ کیا تھا انٹر دا کریڈینشل یوزر کریڈینشل اینڈ ناؤ گو ٹو دا ایکسپنسز کیٹیگری یہاں سے کیٹیگری ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो डेली है वीकली है मंथली है एंड अदर है यहाँ से आप और भी ऐड कर सकते हो यहाँ से मैं एक और ऐड करता हूँ चलिए मैं इसमें फ्यूल ऐड कर देता हूँ फ्यूल एक्सपेंसेस ठीक है यहाँ से हम ऐड कर दो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ऐड करो जितनी भी एक्सपेंसेस है वो आप ऐड कर सकते हो ठीक है तो ये हमारे पास है एक्सपेंसेस कैटेगरीज अब इस ट्यूटोरियल में हम करेंगे न्यू एक्सपेंसेस यहां से हम एक्सपेंसेस रजिस्ट ऐड करेंगे सो नाउ यहां से एक फॉर्म ऐड करो यहां से एक्सपेंसेस फॉर्म में राइट क्लिक करें और एक फॉर्म ऐड करें फॉरम एक्सपेंसेस फॉरम एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एंड नाउ प्रेस द एंटर बटन अच्छा यहां से करो एक्सपेंसेस और ऐसे इस फॉर्म को सेंटर स्क्रीन पे ओपन करो ठीक है फॉर्म को थोड़ा बड़ा करो अच्छा इस फॉर्म का जो है ट्रू एंड फॉल्स को खत्म करो ये ऐसा करता हूं मैं इस फॉर्म को मैं इनसाइड दिस बैकग्राउंड में मैं इसको शो करता हूं इनसाइड दिस बैकग्राउंड में ठीक है जब मैं एंटर करता हूं ना जैसे मैं इन न्यू एक्सपेंसेस पे क्लिक करूं ताकि फॉर्म यहां पे ओपन हो जाए ठीक है सो नाउ अब आपको इस फॉर्म को कैसे ओपन करना है वहां पे फर्स्ट आपको जाना है होम फॉर्म में और इस होम फॉर्म का जो है इस होम फॉर्म को सेलेक्ट करो और इसकी प्रॉपर्टी में इसका जो इज एम डी आई कंटेनर है वो ट्रू कर दो ये फॉल्स होता है इसको ट्रू करो ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपको करना है न्यू एक्सपेंसेस में यहां पे इस फॉर्म को क्रिएट करो इसको करने आपको एफ आर एम एक्सपेंसेस ठीक है वहां से एक्सपेंसेस फॉर्म यहां से इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड नाउ कॉपी द फॉर्म और यहां से आपको आना है अब यहां पे न्यू एक्सपेंसेस में ठीक है अच्छा एफ अगर ये जो फॉर्म है हमारे पास नॉट इक्वल टू इक्वल टू नल मींस इट इज नल सो देन आपको करें इस फॉर्म को इज इक्वल टू न्यू एक्सपेंसेस फॉर्म ठीक है और उसके बाद करो जो पैनल है हमारे पास उसको हमने नाम दिया है पैनल पेरेंट ठीक है यहाँ पे जो फॉर्म है हमारे पास इसको हमने नाम दिया है जो बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है उसको हमने नाम पैनल पेरेंट दिया हुआ है यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ से आप जितनी भी कंट्रोल्स आपने यूज किए इस फॉर्म में यहाँ से इसकी लिस्ट आ रहा है और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन है उसको वो भी यहाँ से आप देख सकते हो बाय डिजाइन बेस बाय चाइल्ड पेरेंट बेस पे ठीक है अच्छा सो नाउ गो टू द हियर यहाँ से मैं इसको एड करता हूँ फर्स्ट मुझे कर रहे हैं एक्सपेंस फॉर्म का जो एक्सपेंसिस फॉर्म है इसका जो टॉप लेवल है वो जीरो कर टॉप लेवल इज इक्वल टू फॉल्स करने हमें ठीक है और फिर इसको इस पैनल पेरेंट डॉट चिल्ड्रन इसको कंट्रोल ठीक है कंट्रोल डॉट एड और इस फॉर्म को ऐड करो ठीक है अब मैं इसको रन करता हूं अच्छा बिफोर दिस द स्टार्टिंग स्टार्ट यहां पे यूजर इसमें मैं ये यूजर नेम और पासवर्ड बस लिखता हूं ताकि बार बार ना लिखूं ठीक है और इसमें लिखता हूं मैं एडमिन फिर इसको बाद में खत्म करना ठीक है अब मैं यहां से जाके लॉग इन और यहां से डायरेक्ट ठीक है अच्छा तो यहां से मुझे एक्सपेंस पे क्लिक करो ये तो यहां पे नजर ही नहीं आ रहा है अच्छा अभी क्यों नजर नजर नहीं आ रहा आपको पता है यहां से हमने इसको शो नहीं किया है तो यहां से आपको इसको इसमें इनसाइड जो है ना उसको शो करना है सो एक्सपेंस फॉर्म डॉट शो
ठीक है, और यहां से फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, लॉग इन लॉग इन, और यहां से मुझे एक्सपेंस न्यू एक्सपेंस शो ही नहीं हो रहा है। टॉप लेवल एक्सपेंस फॉर्म कंट्रोल एक्सपेंसेस फॉर्म, अच्छा ऐसा कर दो जो एक्सपेंसेस फॉर्म में मेरे पास में कुछ कंट्रोल्स में ऐड करता हूँ। सो नाउ यहाँ से कॉपी करो, ये जो हमारे पास है एक्सपेंस कैटेगरी वाली, जैसे ये कंट्रोल कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, अभी अगर मैं इसको दोबारा से इशू करूँ ना तो ये नहीं इशू होगा। ठीक है, तो हमें इसका जो डॉक प्रॉपर्टी है वो भी सेट करना है। अच्छा ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसे मैं रन कर दूं, यहाँ पे क्लिक ब्रेकर में लगाता हूँ, लॉग इन, यहाँ से जब मैं न्यू एक्सपेंस करता हूँ ना तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको हमने ऑलरेडी नल लिया हुआ है, इक्वल टू नल है अगर, तो आके इसको क्रिएट करो, इसने इसको क्रिएट कर दिया, डब्ल्यू डी फॉल्स, कंट्रोल को हमने ऐड कर दिया और हमने इसको शो कर दिया। अच्छा अब मैं इसको रन करता हूं, ऐसा करता हूं मैं पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूं, फिर रिबिल्ड कर देता हूं और फिर रन कर देता हूं इसको, लॉग इन लॉग इन और न्यू एक्सपेंसेस। अब ये यहाँ पे जो फॉर्म है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे डॉक पैनल यूज करता हूँ, अब भाई आई डोंट नो क्यों ये पैनल काम नहीं कर रहा है, चलिए मैं इस पैनल को ही चेंज कर देता हूँ, ये जो पैनल है इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और पैनल ऐड करता हूँ इस एरिया में, ऐसे मैं पैनल को ड्रैग करता हूँ और इसको डॉक एंड पैरेंट, ठीक है जितना एरिया ये बहुत बहुत उतना एरिया को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा सो नाउ अब मैं इसको जो नाम है उसको देता हूँ पैनल पैरेंट, ठीक है उसको सेव करता हूँ मैं, अगर अभी नहीं काम करते तो फिर उसको ऐसे करेंगे कि पैनल पैरेंट, अच्छा ये नाम नहीं है, और फिर इसको मैं रन कर देता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ मैं कि अच्छा मसला क्या था आपको पता है नहीं पता है, चलिए पहले ये मसले को हल करते, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, और जो जो प्रीवियस जो पैनल था उसको मैंने दोबारा यहाँ पे लगा दिया। मसला ये था हमारे पास, यहाँ पे मैं आके इस दोबारा जो हमारे पास जो प्रीवियस था हमारे पैनल पैरेंट, ठीक है इसको मैं रन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसका कलर चेंज है, लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टार्ट ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म उधर शो हो रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म तो हमने ऐड कर लिया, ठीक है यहाँ पे इसको हमें एक्सपेंसेस फॉर्म डॉट ब्रिंग टू फ्रंट इज इक्वल टू ट्रू करना है, इसको आपको ब्रिंग टू फ्रंट करना है, ठीक है लॉग इन लॉग इन, यहां से मैं एक्सपेंस और न्यू एक्सपेंस देखो, इसको आपको क्या करना है ब्रिंग टू फ्रंट करना है। अच्छा इसको मैं क्लोज कर देता हूं, नाउ यहाँ पे अब इसका जो है वो ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, सो उसको कैसे खत्म करना है आपको, यहां से एक्सपेंसेस फॉर्म डॉट बॉर्डर स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर स्टाइल डॉट नन, इसको नन करें एंड देन आई रन एप्लीकेशन अगेन,
ऐसे एक्सपेंसेस और न्यूज अभी देख सकते, ठीक है। तो ये इसी तरह से हम जाके अब जो है हमारे ये जो एक्सपेंसेस फॉर्म है इसमें हम फील्ड ऐड करते हैं। सो नाउ उसको मैं क्लोज करता हूँ, लॉगिन फॉर्म को, स्टार्टअप फॉर्म को, एक्सपेंसेस कैटेगरी को छोड़ के, और इन जो फॉर्म है हमारे पास और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सर्च एम्प्लॉइज को भी क्लोज करो, स्टॉक को भी क्लोज करो, ये कॉम्बो वेल पर हमें चाहिए। यहाँ से फॉर्म कैटेगरी को भी क्लोज करो, अभी जितनी भी और फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होगा। इसको भी क्लोज करो। अच्छा, यहाँ से एक्सपेंसेस फॉर्म में हम जाके जो यहाँ पे जो टेबल हम इम्प्लीमेंट करेंगे वह हमारे पास एक्सपेंसेस टेबल। सो नाउ डेटाबेस को एक्सपेंड करें, और यहां से जाके डेटाबेस डायग्राम में, और इस वीडियो में हम यहां से एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस हम यहां से यहां पे ऐड करेंगे, तो यहां से हमें इसकी टाइटल भी चाहिए एक्सपेंसेस की, ठीक है। ये एक्सपेंसेस क्या हुआ ये भी चाहिए, रीजन, कमेंट्स भी आपको लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख लो, दैट इज ऑप्शनल कमेंट्स, ठीक है ना। और यहाँ से आपको करना है टोटल कॉस्ट भी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं कि इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो नाउ यहां से ये जो आपको ये यहां से इसको ऐसा करें थोड़ा, और इसको भी इसका साइज थोड़ा ज्यादा करें, इन बटन्स को नीचे लेकर आओ, अच्छा इस बटन को इसको नीचे लेकर आओ, और इसको थोड़ा इसका साइज जो है वो बड़ा कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो यहाँ पे एक और फॉर्म में हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो कैटेगरी, सो नाउ स्टॉक में यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे, अच्छा अब इसको भी, और इसका साइज है वो मैं थोड़ा और ज़्यादा करता हूँ, और ये ग्रिड और ये सर्च है इसको मैं थोड़ा दूर करता हूँ इसे। अच्छा, अभी हमारे पास है सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से हम कर सेलेक्ट कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे लिए कि हमारे पास है जो यहाँ से इंटर टाइटल, ठीक है, एक्सपेंस का टाइटल क्या है, ठीक है ना। मतलब टाइटल का मतलब क्या है हमारे पास कि आपने इसको जो एक्सपेंस है वो आपने कहाँ से किया, टाइटल किस चीज पे खर्च किए, कहाँ से खर्च किए, क्यों, रीजन में हम लिखेंगे कि इसको हमने क्यों एक्सपेंसेस हमने किए, ठीक है। तो इसे कॉपी लेते हैं और यहाँ पे लिखते एक्सपेंसेस, मतलब एक एक्सपेंसेस हम करते हैं, मतलब डेली चाय में अगर हम एक्सपेंसेस करें, चाय के साथ हम एक और चीज लेकर आते हैं, ठीक है। तो टाइटल अगर गेस्ट की है, चाहे गेस्ट की भी हो सकती है, तो यहाँ पे टाइटल लिखो फॉर गेस्ट, ठीक है ना। तो एंटर करना है आपको, मतलब टाइटल में आपको ये भी एंटर करना है कि यहाँ पे ये जो टाइटल है इसका ये क्या है हमारे पास, ठीक है। सो नाउ यहाँ से जो टाइटल यहाँ से आपको एंटर करना है इसका रीजन, एंटर रीजन, अच्छा, और इसको भी txt रीजन, एक्सपेंसेस की रीजन क्या थी, ठीक है। सो नाउ मल्टी लाइन कर दे इसको, और थोड़ा जगह इसका बड़ा कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे कमेंट्स आते हैं, फॉर्म को बड़ा कर दे, ठीक है, क्योंकि जगह है हमारे पास।
अच्छा इसको मैं करता हूँ इंटर कमेंट्स, ये ऑप्शन है ठीक है ना। ऑप्शनल नहीं भाई, इसके नीचे ये देखो, छुपी हुई इसके पीछे। अच्छा अच्छा यहाँ से मुझे इसकी पैसे भी एंटर करना है, सो यहाँ से पैसे भी एंटर करेंगे। सो यहाँ से एक और टेक्स बॉक्स भी ले लो। अच्छा इसको नीचे करो, अच्छा आप भी जितनी भी आपके साथ ही फील्ड है। अच्छा पहले यहाँ पे करें एंटर, सारा कॉस्ट जितना खर्च हुआ है वो एंटर करो। नया पे इसका नाम में देता हूँ एंटर टीएक्सटी कॉस्ट, ठीक है। अब इस जो हमारे पास ही जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ डिजिट्स होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ सेलेक्ट करें इसको और यहां से मैं कोड लेकर आता हूं। बस आपको यहाँ पे लिखना है कि हाउ टू मेक नंबरिक टेक्स्ट बॉक्स सी शार्प, ठीक है। आपको आसानी से कोड मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बस ज्यादा कोड ना करो, बस यहाँ से इसको कॉपी करो, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये कोड ये जो हमारे पास है ना, ये पैसे ये फ्लोट भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकते हैं एक्सपेंसेस। सो नाउ यहाँ पे एक्सपेंसेस में मैं आता हूँ, उसके डिजाइन में जाता हूँ और ये देखो ये टोटल क्या से ये फ्लोट में भी, मतलब इसमें पॉइंट आ सकता है। सो आपको ये कोड कॉपी करो एंड नाउ इस पर क्लिक करो और यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की उसमें आके यहाँ पे आपको इसको कीप्रिस पे ये कोड करना है, ठीक है। अब इस कीप्रिस पे मैं कोड करूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर कंट्रोल की डॉट की चार इज नॉट इक्वल टू इस कंट्रोल नहीं है, अगर ये करेक्टर नहीं है और अगर ये नॉट इक्वल टू डॉट का बराबर है तो फिर इसे हैंडल करो, इसे उसमें एड ना करो। क्योंकि अगर इस अगर ये डिजिट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है या डाट नहीं है तो इसको इसमें ऐड ना करो, ठीक है ना। अब यहां से किया ओनली अलाउ वन डिसिमल पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एक डिसिमल पॉइंट चाहिए वो टेक बॉक्स में, ठीक है ना। नंबर में सिर्फ एक डिसिमल पॉइंट होती है ना, होता है ना। अच्छा तो यहाँ पे सिर्फ एक इस डिजिट, अगर डिजिट है तो फिर इसको एड करो कि प्रेस में हम इसको हैंडल करें, जैसे कि हम प्रेस करते हैं ना पहले यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होता है फिर टेक्स प्रॉपर्टी को असाइन होती है, ठीक है ना। अच्छा तो ये हमारे पास है, मतलब ये एक नंबरिक टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है, कि प्रेस पे आपको कोट करना है। अच्छा अब एक्सपेंसिस फॉर्म में ये कॉस्ट ऑफ टीएक्सटी रीजन, ठीक है, यहाँ से टीएक्सटी कमेंट्स नहीं, यहाँ पे इसको हमने नाम नहीं दिया है, सो नाउ टीएक्सटी कमेंट्स, ऑलरेडी इस, अच्छा इसको एक लाइन में करना है, सो सेलेक्ट करो और क्यों सिर्फ लाइन में कर दो, ठीक है। और ये जो आपके पास ही हमारे पास जो है ना ये टाइटल्स, इसको भी और बाद में इनको सेलेक्ट करो, जितनी भी ये यहाँ पे जाके इनको जो स्पेसेस है वर्टिकल स्पेस है इसको इक्वल कर दे, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये टाइटल है इसको भी इक्वल कर दे, नहीं इसको इक्वल ना कर दे, बस यही सही है, ठीक है, सही है, मत इस इक्वल है ऑलरेडी बस। अच्छा अब हमें यहाँ पे कोड करना है, सो नाउ इसको यहाँ पे लेकर आओ और इससे जो मतलब ये अपडेट और ये इसे जरा नीचे लेकर आओ और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा अभी मैं इसको रन करता हूँ फॉर्म को, लुक देखता हूँ कि इसका लुक कैसा है, ठीक है। सो नाउ लॉगिन लॉगिन ऐसे एक्सपेंसेस में और ऐसे न्यू एक्सपेंसेस में। अब ये देखो अब ये जगह पे फिल होना चाहिए ना, ताकि ये मतलब यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ
यहां से ऐसा करो, इस ग्रिड को सेलेक्ट करो, इस ग्रिड को, ठीक है, और इसको ऐसा करो कि प्रॉपर्टी में आके इसकी जो एंकर प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे भी सेट कर दो। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूं, अब ये देखो ये, लेकिन ये फिल नहीं हुआ। चलो टेक्स्ट बॉक्स का भी कर दें, सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स एंड नाउ गो टू द प्रॉपर्टीज, और इसको करें सिर्फ यहां तक, ठीक है, और फिर उसमें रन कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास ये डिजाइन, अच्छा यहाँ पे हमें कैटेगरी चाहिए, सो नाउ यहाँ से हम इस कैटेगरी ऐड करेंगे एक्सपेंसेस की। तो यहाँ से हम जाके कॉम्बो हेल्पर्स में कैटेगरीज जो है उसको हम ऐड करते हैं, वो भी एक्सपेंसेस की, सो नाउ कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंसिस कैटेगरी। अच्छा अब एक्सपेंसेस कैटेगरी से हम जो हमारे पास है वो कैटेगरी आईडी चाहिए, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, बस एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, एक्सपेंस कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे भी। अच्छा अब इसका जो बाकी है वो नाम, तो इसका नाम टेबल का वो भी कॉपी करें नेम, और इसको यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है, और बाकी चीज़ें सही है, ठीक है। अच्छा तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और इसका जो नाम है कॉम्बो हेल्पर उसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड नाउ गो टू द डिज़ाइन एंड नाउ क्लिक ऑन द फॉर्म लोड, और यहाँ से मैं कंट्रोल वी डॉट, अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ व्यू क्विक एक्शंस, और यहाँ से इसका जो नेम स्पेस है वो इंपोर्ट करते हैं, और ऐसे एक्सपेंस कैटेगरी में जाके मैं सी एम बी कैटेगरी पास कर रहा हूँ इसको, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, नाउ क्लिक, और यहाँ से आके एक्सपेंसेस, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास ही सही है। अच्छा मैं टैब देखता हूँ इसका, ये टैब गलत है इसका, ठीक है, चलिए टैब भी सेट करते हैं इसका, बिल्ड में जाए या व्यू में जाके या यहाँ से टैब सेटिंग करते हैं, तो ये टैब किधर क्या हमारे पास, टैब टैब यहाँ पे शो होता है, ठीक है, टैब ऑर्डर, ठीक है। अच्छा इसको जीरो कर दें, इसको वन टू जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है, यहाँ से जो है इसको हम करते वन और ये करते हम टू, ठीक है, इसको सेव करें, यहाँ से व्यू में आके टैब ऑर्डर ख़त्म करें एंड नाउ रन द एप्लीकेशन, और इसको हमने नहीं किया। अच्छा चलो दोबारा जाओ यहाँ से टैब ऑर्डर, ठीक है, ये जीरो फोर है, इसको फाइव करते हैं, इसको ये नाइन होना चाहिए, एट एट होना चाहिए इसको, और ये जो हमारे पास है ये सेवन होना चाहिए, क्योंकि पहले अपडेट बटन पे ही आना चाहिए, ठीक है ना, और यहाँ से इसको हम छे करते हैं, सो यहाँ से आके और ये जो है इसको सात करते, नहीं चीन इसको पांच करते, पांच करे इसको, ठीक है, फिर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर रन, लॉग इन लॉग इन एक्सपेंसेस, और यहाँ न्यू एक्सपेंसेस। अच्छा जैसे मैं टैब ये देखो, ठीक है, अच्छा तो ये था हमारे पास न्यू एक्सपेंसेस फॉर्म का डिजाइन, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में हम इस पर कोड करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।